देखिए, बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए पेपर कोड है 101। चलिए शुरू करते हैं। ये पेपर होता है 1.5 घंटे के लिए। पहले आपको 1 घंटे के लिए रिटर्न एग्ज़ाम के लिए मिले, जिसमें 6 क्वेश्चन होंगे, 3 करने होंगे। अच्छे से लिखिएगा, बहुत पर्याप्त समय होता है, और जितना याद हो टू द पॉइंट लिखिएगा। नंबर बहुत अच्छा मिलता है, टेंशन नहीं लेने को एकदम। और आप कोई भी कह दें 40 में 40 दिला दें, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ये आप बुक पढ़ेंगे तो आप अच्छा कर ले जाएंगे, ठीक है? क्योंकि कोई कहीं से क्वेश्चन फंसता नहीं है ऑब्जेक्टिव। ये आपको बस, क्योंकि मैंने मैंने 3-4 राइटर पढ़ा है और वीडियो डाल रखा है इसी चैनल पे, आपको अगर चाहिए तो वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन ये जान लीजिए, फंसता उस्ता कुछ नहीं है। 2-4 नंबर इधर उधर होंगे, कितना हो पढ़ लेंगे। लेकिन अगर आप बुक पढ़े रहेंगे तो सारे क्वेश्चन अच्छे से कर ले जाएंगे। आप देखना चाहें तो वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं, सारे राइटरों का पढ़ा हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको 800-900 मिल जाएंगे हर पेपर का, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन 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 आप हम मेरा यही सजेशन है कि आप बुक पढ़िए अच्छे से। बुक को 2-3 बार पढ़ लेंगे और 2-3 दिन पर्याप्त है। अगर अभी अभी से पढ़ेंगे तब भी अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि 6 महीने क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, बस 1 हफ्ता पढ़िए अच्छे से। लेकिन बुक पढ़िए, दो एक बार पहले पढ़ लीजिए पेपर से पहले, पेपर के दिन पेपर के पहले एक बार, दूसरी बार पढ़ लीजिए जब पेपर देने जाने से पहले एक बार पढ़ लीजिए, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और ज़्यादा कथन वथन थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, 1-2 ज़रूर पूछेगा, क्योंकि पहले सेमेस्टर में हमारे हम लोगों के एग्ज़ाम में तो बहुत ज़्यादा पूछा था, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में 1-2 कथन पूछा था, बाकी नहीं। तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ लीजिएगा, 2 काम हो जाएंगे, लिखने के लिए भी हो जाएगा और पढ़ेंगे तो इसमें पूछेगा तो बता भी देंगे। अब चलिए, ये पेपर इंग्लिश मीडियम के लिए होगा। चलिए देखते हैं, विच वर्क इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू स्कूल वर्क। तो ये कौन सा होगा, डेवलपिंग सिटीजनशिप क्वालिटीज़, ये वाला आपका क्या हो जाएगा। देखिए नॉट रॉन्ग पूछा है तो रॉन्ग चाहिए, तो ये रॉन्ग यही हो रहा है, क्योंकि नागरिकों के गुणों का विकास करना इसका काम नहीं है। डेवलपिंग सिटीजन बाकी तो करता है, चाइल्ड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करेगा, चाइल्ड फिजिकल डेवलपमेंट होगा, अरेंज फ्री एंड द कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चाइल्ड, ये भी होगा। चलिए आगे देखते हैं, विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन। तो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए क्या होता है, परपजलेसनेस नहीं, ठीक है, वेस्टेज एंड ब्लॉकेज, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ऑल ऑफ द अबव, सारे होंगे। प्रॉब्लम पूछ रहा है, सारा प्रॉब्लम का ही है। व्हाट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है, मतलब उद्देश्य क्या नहीं है, ये पूछा है, नॉट लगाया है। तो जो निगेटिव होगा वही आंसर होगा। एफर्ट टू द कोऑर्डिनेट एंड द प्रोग्रेस रिसर्च वर्क इन ऑल एरियाज ऑफ एजुकेशन एस्टेब्लिशमेंट एंड द ऑपरेट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड द ग्रांट टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यही नहीं होगा। देखिए ये वाला नहीं होगा, बाकी तो सब लग रहे होंगे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रीजनल एजुकेशन कॉलेज, ये होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या नहीं होगा। नहीं, अगला क्वेश्चन, विच वर्क इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू स्कूल वर्क। कौन सा इसमें काम जो स्कूल से रिलेटेड नहीं है। तो देखिए चाइल्ड, ये तो सेम ही है क्या। चलिए, मेनली हाउ मच आर द टाइप्स ऑफ एजेंसी ऑफ एजुकेशन। तो एजेंसी का कितने एजुकेशन होते हैं, एजेंसी कितनी होती है, एक इनफॉर्मल होती है, फॉर्मल होती है, नॉन फॉर्मल होती है, 3 एजेंसी होती है। तो 3 आंसर होगा इसका। विच फीचर्स इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। तो देखिए दीज, मतलब नॉट पूछा, निगेटिव पूछा, यानी दीज एजेंसी कंटिन्यू टू एग्जर्ट एजुकेशन इन्फ्लुएंस ऑन द इंडिविजुअल थ्रू आउट हिज लाइफ। तो देखिए इसमें निगेटिव यही हो रहा है, जिन्हें प्रभाव डालते हैं, नहीं नहीं ये नहीं डालेंगे, तो ये निगेटिव है, बाकी सारे होंगे। तो देखिए, इट इज़ द मेन पर्पज इज़ टू एजुकेटेड द इंडिविजुअल, सही है ये। दिस टाइप ऑफ एजुकेशन इज़ इरेगुलर ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमेटिक, ये भी सही है। देखिए पहला वाला निगेटिव पूछा, पहला ही निगेटिव है, मतलब निगेटिव पूछा था, पहला निगेटिव है। विच फीचर इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन, विशेषताएँ पूछ रहा है उसका, फीचर्स। तो देखिए द एजुकेशन
they provide is broad and informal, broad and informal, sorry. द एजुकेशन दे आर प्रोवाइड द ब्रॉड एंड इनफॉर्मल, ये भी सही है. दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पर्सनैलिटी फॉर्मेशन, कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड सोशलाइजेशन, ये क्या होगा, ये भी नहीं होगा. द एजुकेशन रिसीव फ्राम द दीज एजेंसी इज बुकिस एंड इम्प्रैक्टिकल, ये क्या हो, यही रॉन्ग जा रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा. Correspondence and distance education centers and institutions are example of which type of education agency, तो ये हो जाएगा non-formal agency, क्योंकि इसमें distance की बात कर रहा है, दूर, ठीक है, correspondence की बात हो रही, तो ये क्या हो जाएगा, non-formal agency हो जाएगी. What is the education, तो education is the knowledge and experiences, या experience हो जाएगा. Which statement is wrong? Education is the motionless process. ये नहीं होगा, motionless क्योंकि negative दिख रहा है, तो ये नहीं होगा. अब देखिए, education is the continuous process होगा, education is the tripolar process होगा, और education is the purposive process होगा, मतलब so this purposive. Which is not the aim of education, कौन सा aim of education नहीं है. अब देखा, चलिए देखिए, mental development of man, ये होगा, to make a man teacher, ये negative है, teacher बनाना थोड़ी काम है इसका. Character development of man, ये भी सही है. Overall development of man, ये भी सही है, बाकी वही नहीं सही है. चलिए, who gave this definition, the higher education is that which does not मेयर गिव अस इंफॉर्मेशन बट मेक्स आवर लाइफ इन हारमोनी विथ ऑल एक्जिस्टेंस, तो ये टैगोर साहब का था. बोल रहे हैं, सर्वोच्च शिक्षा वह है जो कि हमें केवल सूचनाएँ ही नहीं देती, वरन हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में समरसता पैदा करती है, तो यह टैगोर साहब का है. द वर्ड एजुकेशन इज मेड अप ऑफ विच टू वर्ड, मतलब किस दो शब्दों से एजुकेशन मिलकर बना हुआ है, तो देखिए ई प्लस डी को हो जाएगा, इसको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, तो वहाँ पे सारा देख लीजिएगा. हु गेव दिस डिफिनीशन, स्टेट मे बी डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल कम्युनिटी विथ द गवर्नमेंट रिकोगनाइज बाई द पीपुल, ये किसका है, आई एल कैंडल का है. राज्य की परिभाषा एवं संगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में की जा सकती है, जिसकी एक सरकार होती है जो उसके लोगों द्वारा मान्य होती है. चलिए आगे देखते हैं. द वर्ड एजुकेशन इज डिजायर्ड फ्रॉम विच वर्ड ऑफ द फॉलोइंग लैटिन लैंग्वेज, तो किससे होगा, एजुकेटम होगा, एजुकेटम पहला वाला. वाट मेजर should be taken to make a school an affection tool of education, what clear नहीं हो रहा है. आप देखिए, society and the community cooperation, democratic environment, ये दोनों होगा, both of the above होगा, C answer होगा. चलिए आगे देखते हैं. What is the narrower meaning of education, तो देखिए, education means school या school education, narrow पूछा है ना, narrow meaning. अब देखिए, ये जो होगा क्या होगा, व्यापक होगा, broad होगा, तो education refer to the experiences gained in life, तो ये broad में होगा, narrow में ये होगा, education means school और school education, तो B वाला आपका इस question का answer होगा. What is the nature of education, क्या है उसका nature, तो एजुकेशन इज द आर्ट एंड साइंस, बोथ होगा, अलग अलग नहीं होगा, दोनों होगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन टेकन इन फॉर्मल एजुकेशन, कौन सा होगा इसमें. अब देखिए, व्हाट इज एजुकेशन टेकन इन फॉर्मल एजुकेशन की बात कर दिया, तो ये क्या, नैरो सेंस हो जाएगा, टू द नैरो सेंस, संकुचित अर्थ होता है.
फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन आर डिफरेंट इन, किस चीज़ में डिफरेंट होता है? मेथड में डिफरेंट होता है, बाकी करिकुलम होगा, एम्स होगा, इवेल्युएशन होगा। द एम ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज, द एम ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन का उद्देश्य, ये उद्देश्य पूछ रहा है, तो देखिए, इनहेंसिंग द एसेसबिलिटी ऑफ एजुकेशन, इम्प्रूविंग द लाइफ स्टाइल ऑफ वीकर सेक्शन, तो बोथ ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा, बोथ ऑफ अबव आंसर हो जाएगा। ओपन यूनिवर्सिटीज आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ, किस चीज़ का होता है ओपन यूनिवर्सिटी? नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो ये देखिए, इससे बहुत फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से पढ़िएगा। हु सेड एजुकेशन इज कम्प्लीट लिविंग, क्या हो जाएगा? हर्बर्ट स्पेंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हर्बर्ट स्पेंसर। एजुकेशन ऑफ एजुकेशन टू वर्ड द सोसाइटी इज सोशल रिफॉर्म एंड प्रोग्रेस, ये भी होगा, और क्या होगा? प्रिजर्वेशन कल्चरल हेरिटेज, सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड, ऑल द अबव इसका आंसर होगा। फंक्शन ऑफ द एजुकेशन टुवर्ड द इंडिविजुअल इज फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स, कैरेक्टर डेवलपमेंट, रिकॉग्नाइजेशन एक्सपीरियंस, ऑल द अबव होगा इसका आंसर। हु सेड द स्कूल इज इन द मदर्स नी, विद्यालय माँ के घुटने में होती है, तो ये किसका हो जाएगा? ये किसका हो जाएगा? हु सेड द स्कूल इज इन द मदर्स नी, तो ये किसका होगा? कमेनियन का होगा, विद्यालय माँ के घुटने में होती है, किसने कहा था? कमेनियस। विच वर्क इज डिफरेंट फ्रॉम द एजुकेशन रिलेटेड वर्क ऑफ द स्टेट, ये किसका हो जाएगा? देखिए, ये होगा आपका सेटिंग ऑफ स्कूल, ये नहीं होगा। क्रिएटिंग द अवेयरनेस अबाउट द एजुकेशन, ये भी नहीं होगा। अरेंजिंग ए क्वालिफाइड टीचर, ये भी नहीं होगा। देखिए, प्रिपेयरिंग ए चाइल्ड फॉर द स्कूल, ये इसका आंसर होगा, ठीक है, डिफरेंट है ये। When was the national program of national support to primary education start? Nutrition होगा। When was the national program of nutritional support to primary education start? ये 1995 से हुआ था, पोषाहार के लिए शायद था। In which years सर्व शिक्षा अभियान वाज स्टार्टेड, सन 2001 में स्टार्ट हुआ था सर्व शिक्षा अभियान। रफली हूँ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर फाउंड इन इंडिया, तो देखिए, स्टेट रिकॉग्नाइज भी होते हैं, रिकॉग्नाइज्ड एंड एडेड भी होते हैं, और अनरिकॉग्नाइज्ड एंड अनएडेड इंस्टीट्यूशन भी होते हैं, तो ऑल द अबव हो जाएगा। इन इंडिया द एज ऑफ स्टूडेंट परसुइंग सेकेंडरी एजुकेशन इज अप्रॉक्सीमेटली, तो ये 14 से 18 वर्ष होगा, सी आंसर होगा इसका। द इंस्टीट्यूशन डैट इन्फोर्सेज द स्टैंडर्ड्स सेट फॉर द सेकेंडरी एजुकेशन, इसका क्या होगा? NCERT होगा, पहला ए आंसर होगा। इंस्टीट्यूशन डैट द इन्फोर्सेज द स्टैंडर्ड सेट फॉर द सेकेंडरी एजुकेशन, NCERT होगा। मान्यता निर्धारित मानकों को लागू करने वाली संस्था कौन सी है? NCERT है। टीचर एजुकेशन शुड बी कंसिडर एज द की टू द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, दिस स्टेटमेंट इज कोठारी कमीशन का था, ए होगा, कोठारी कमीशन का था ये। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज नॉट द फंक्शन ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, अब देखिए, द इनकरेज एंड गाइड इन सर्विस, एक्रेडिटेशन ऑफ कॉलेज, ये वाला नहीं, यही आंसर होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ टीचर एजुकेशन इन द इंडिया,
ऑल द अबव होगा, क्वालिटी कंट्रोल, नहीं नहीं सॉरी, NCTE होगा, टीचर की क्वालिटी के लिए ना, तो NCTE होगा। हू सेड स्कूल आर द इंस्टीट्यूशंस एडवाइज्ड बाय द मैन फॉर द पर्पज ऑफ एडिंग इन द प्रिपरेशन ऑफ द यूथ फॉर वेल एडजस्टेड एंड एफिशिएंट मेंबरशिप ऑफ द सोसाइटी। ये रॉस का कथन है। हु गिव द डिफिनीशन, द फैमिली इज द ग्रुप डिफाइंड बाई ए सर्च स्केयर रिलेशनशिप शेयरिंग रिलेशनशिप सफिशियंटली प्रोसाइज प्रिसाइज एंड इंश्योरिंग टू प्रोवाइड फॉर द प्रोक्रिएशन एंड द अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रेन। तो ये किसका होगा, मैकाइवर एंड पेस। हु सेड द कम्युनिटी इज ए सोशल ग्रुप विथ सेम डिग्री वी फीलिंग एंड लिविंग इन ए गिवेन एरिया। बोगार्ट्स फंक्शन ऑफ एजुकेशन टूवर्ड द नेशन इज इंक्लूकेशन ऑफ सिरिक एंड द सोशल ड्यूटीज नेशनल डेवलपमेंट नेशनल इंटीग्रेशन ऑल द अबव होगा। एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन परिवार यानी फैमिली होगी इसमें। हु सेड सोसाइटी हैज़ डेवलप्ड ए नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन टू कैरी आउट द फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। दीज इंस्टीट्यूशंस आर नोन एज द एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। बी आर भाटिया। इस तरह हमारा ये समाप्त होता है।